हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कास्ट के पर एपिसोड सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों रिवील करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दयाशंकर पांडे का, जो कि चालू पांडे के किरदार निभाते हैं। और दोस्तों ये एक एपिसोड के लिए 30,000 रुपये लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मयूर वकानी का, जो कि सुंदर लाल के किरदार निभाते हैं। और दोस्तों मयूर वकानी एक एपिसोड के लिए 35,000 रुपये लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अब्दुल का, जिनका असली नाम शरद संकला है। और दोस्तों इनका पर एपिसोड सैलरी है 30,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तन्मय बेकारिया का, जो कि निभाते हैं बगा का किरदार। तो दोस्तों इनका पर एपिसोड सैलरी है 35,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं घनश्याम नायक का, जो कि नट्टू काका का किरदार निभाते हैं। और दोस्तों घनश्याम नायक एक एपिसोड के लिए 40,000 रुपये लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पिंकू का, जिनका असली नाम अजहर शेख है। और दोस्तों इनका पर एपिसोड सैलरी है 12,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्याम पाठक की, जो कि पपटलाल के किरदार निभाते हैं। दोस्तों इनको एक एपिसोड के लिए 70,000 रुपये मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुश शाह की, जो कि गोली के किरदार निभाते हैं। और ये एक एपिसोड के लिए 18,000 रुपये लेते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कोमल की, जिनका असली नाम अंबिका रंजनकर है। और दोस्तों इनका पर एपिसोड सैलरी है 30,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों नाम आता है निर्मल सोनी का, जो कि निभाते हैं डॉक्टर हाथी का किरदार। दोस्तों निर्मल सोनी को एक एपिसोड के लिए 25,000 रुपये मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं समय शाह का, जो कि निभाते हैं गोगी का किरदार। तो दोस्तों समय शाह का पर एपिसोड सैलरी है 15,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जेनिफर मिस्टी बंसीवाल का, जो कि निभाते हैं रोशन का किरदार। इनका पर एपिसोड सैलरी है 30,000 रुपये। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सोडी का, जिनका असली नाम गुरुचरण सिंह है। और दोस्तों इनके एपिसोड के लिए 65,000 रुपये मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बबीता का, जिनका असली नाम मुनमुन दत्ता है। दोस्तों मुनमुन दत्ता का एक एपिसोड का फीस 50,000 रुपये है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अय्यर का, जिनका असली नाम तनुज महाशब्दे है। तो दोस्तों तनुज महाशब्दे एक एपिसोड के लिए 60,000 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेहा मेहता का, जो कि निभाते अंजलि का किरदार। तो दोस्तों इनका पर एपिसोड सैलरी है 35,000 रुपये। दोस्तों यह तारक मेहता
और इनका असली नाम शैलेश लोढ़ा है। और दोस्तों उनके एक एपिसोड के लिए 1,00,000 रुपए मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पलक सिद्धवानी का, जो कि निभाते हैं सोनू का किरदार। तो दोस्तों पलक सिद्धवानी का एक एपिसोड का सैलरी है 10,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोनालिका जोशी का, जो कि माधवी का किरदार निभाते हैं। और दोस्तों इनका पर एपिसोड सैलरी है 40,000 रुपए। और इसके बाद हम बात करते हैं भिड़े का, जिनका असली नाम मंदार चंदवादकर है। तो दोस्तों मंदार चंदवाडकर को एक एपिसोड के लिए 80,000 रुपए मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं राज अनाटकर का, जो कि निभाते हैं टप्पू का किरदार। और दोस्तों राज अनाटकर एक एपिसोड के लिए 20,000 रुपए लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चंपक लाल का, जिनका असली नाम अमित भट्ट है। और दोस्तों अमित भट्ट को एक एपिसोड के लिए 90,000 रुपए मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दिशा वकानी का, जो कि निभाते हैं दया का किरदार, पर फिलहाल अभी मैटरनिटी लीव पे है। और दोस्तों दिशा वकानी को एक एपिसोड का 1,20,000 रुपए मिल रहा था, और जब वापसी करेंगे उनको एक एपिसोड का 1,50,000 रुपए मिलेगा। दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं हम जेठालाल का, जिनका असली नाम दिलीप जोशी है। और दोस्तों दिलीप जोशी को एक एपिसोड के लिए 1,50,000 रुपए मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए तारक मेहता देखिए और इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस भी देखिए।